अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तुमको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि फलाने व्यक्ति को, किसी को, तुमसे जब तक कोई काम है, उसको कोई काम निकलवाना है तुमसे, या तुमसे उसको कोई फायदा है, तो तुम्हारी अहमियत है उसके सामने, यानी तुमको वो तुम्हारा वो वैल्यू कर रहा है, और जैसे ही उसका काम निकल गया उसने तुमको नज़रअंदाज कर दिया? हुआ है ऐसा कभी? हाँ, मतलब अपना काम निकालने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन देखते हो? अभी और बात है कि बच्चों के साथ लोग थोड़ा दूसरे तरीके से पेश आते हैं, नहीं, लेकिन बड़े लोगों को अक्सर इस बात का एहसास होता है कि जब तक उसका काम हमसे था, जब तक उसको फायदा हमसे था, तब तक वो हमारे साथ रहा, और जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो गया, उसका काम निकल गया, नहीं, अब उसकी नज़र में हम कुछ नहीं रहे। ये दुनिया की एक कटु सच्चाई है कि अपने स्वार्थवश लोग एक दूसरे के नज़दीक जाते हैं, और जैसे ही उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वैसे ही संबंधित व्यक्ति को, अरे 1-2% लोग नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर दूध के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। भोजपुरिया में कहा जाता है ना कि काम निकल गए दुख बिसर गए। जब तक किसी से किसी को फायदा है, तब तक लोग उसका जूता उठा के ढोएगा, तलवा चाटेगा, लेकिन जैसे ही काम निकल गया ना, वैसे ही मुंह घुमा के चल देगा। ये कविता जो तुमको पढ़नी है, सूखे सुमन से, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और इसमें इसी तरीके की बात को बताया गया है हम लोगों को फूल के माध्यम से। सुमन का मतलब क्या होता है? फूल। फूल के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे स्वार्थवश लोग हमारे नज़दीक आते हैं, हमारे आसपास मंडराते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और जैसे ही उनका काम निकलता है, वैसे ही उनका रंग बदल जाता है। पहले भी अक्सर कहते रहे हैं कि किसी भी पौधे को सबसे पहले उसका वाचन आना चाहिए, उसको बोलने आना चाहिए। पौधे को पढ़ लेने का या ठीक ढंग से वाचन कर देने का अपना फायदा है। फिलहाल तो तुमको परीक्षा में फायदा होगा इससे। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जब तुमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे क्लास में टीचर के द्वारा, तो कविता की उन पंक्तियों को अपने दिमाग में ला करके उस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। दूसरा, ये धीरे 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 क्या होता है, ढंग से जब बोलना हम शुरू करते हैं, बार बार पढ़ना शुरू करते हैं, तो याद हो जाता है। तो याद हो जाता है तो सिर्फ परीक्षा भर इसका फायदा नहीं मिलता है, तब इसका फायदा हमको जीवन भर मिलता है। देखते होंगे गांव देहात में बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर कबीरदास का कोई दोहा कह देते हैं, रामायण की कोई चौपाई कह देते हैं, कोई लोकोक्ति कह देते हैं, कोई मुहावरा कह देते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति पर सटीक बैठता है। जिस तरीके का सिचुएशन होता है ना, उसी के लिहाज से उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, कुछ कह देते हैं। जैसे मान लो कि दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, तो कोई बगल से बुजुर्ग जा रहा है तो कह देता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तहाँ कुमति निधाना। तो एगो सीख दे के चला गया कि जहाँ लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, वहाँ बहुत तरीके की सुख संपदाएँ आती हैं, जहाँ टकराव होते रहता है, वहाँ बहुत तरीके के दुख होते हैं। तो इसका फायदा हमको जीवन भर मिलता है। चलो सबसे पहले हम ये कविता पढ़ते हैं। था कली के रूप सैसव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरने चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, लोड़ियाँ गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे, कर रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुखमंज मुरझाया हुआ, आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, जिस पवन ने अंक मेले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने,
स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। ये कविता है। इस कविता में माध्यम बनाया गया है फूल को। कवयित्री यानी महादेवी वर्मा फूल से ये कहती हैं, सबसे पहले इसका अर्थ देखो फिर इसके भाव पर चर्चा करेंगे। था कली के रूप में सैसव अहो सुख है सुमन। फूल एक ही बार तो डाली पर नहीं खिल जाता है, पहले कली के रूप में होता है। तो जब फूल कली के रूप में था, यानी सैसव का मतलब बचपना, जब तुम्हारा बचपना था, जब तुम कली के रूप में थे, तो मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। अंक का मतलब होता है गोद में भर के। जब तुम कली के रूप में थे तो हवाएं तुमको अपने गोद में भर करके खिलाती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मडराने लगे आने भ्रमर। जब तुम फूल बन करके खिल गए, यानी कली से जब तुम फूल बन गए, तो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे चारों तरफ भौंरे मडराने लगे। खिले हुए फूल पर देखते होगे कि भौंरे मडराते हैं फूल, खिले हुए फूलों के पास तितलियाँ जाती हैं, मधुमक्खियाँ जाती हैं। तितलियों को फूलों का रंग अच्छा लगता है, भौंरे फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, मधुमक्खियों को फूल से शहद चाहिए होता है। तो जैसे ही कली से फूल बना, वैसे ही अब उसके पास अन्य लोगों की भीड़ बढ़ गई, अनेकों जीव जंतु उसके पास जाने लगे उसे आकर्षित होकर के। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। तुमको चांद की किरणें हंसाने का प्रयास करती थी, रात अपने मोतियों की संपदा, कहने का मतलब है ना रात में ओस वगैरह गिरता है नहीं, तो रात तुम पर अपनी संपत्ति लुटाती थी, चांद तुम पर अपनी चांदनी लुटाता था। लोड़ियाँ गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, भौड़े तुम्हारे अगल बगल में गुनगुना करके विभिन्न तरीके की आवाज़ निकाल करके तुमको सुलाने का प्रयास करते थे। यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे, माली तुम्हारी बहुत ढंग से देख रेख करता रहा। मतलब कली से लेकर के फूल बनने तक माली उसको देखता रहा, चांद की चांदनी उस पर बरसती रही, रात अपनी संपत्ति उस पर लुटाती रही, भौंड़े उसके पास जाते रहे, तितलियां उसके पास जाती रहीं, मधुमक्खियां उसके पास जाती रहीं। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, तुम अब उद्यान में यानी बगीचे में खूब आनंद में थे, हवाएं तुमको झुलाती थीं, डालियों पर तुम मचलते थे। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, तुम फूल ही नहीं रहोगे हमेशा, तुम्हारा यह रूप भी खत्म होगा। मतलब कली से तो फूल बन गए, अब फूल खिलने के बाद क्या होगा, निश्चित रूप से उसका मुरझाना तय है, मुरझाएगा। तो जब तुम मुरझा जाओगे, क्या ऐसा दृश्य तुम्हारे ध्यान में कभी आया था कि सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। अब तुझ में वो ताजगी नहीं रही, अब तुझ में वो आकर्षण नहीं रहा कि तुम भौंरों को तितलियों को या अन्य लोगों को अपनी तरफ खींचो। अब तुम जमीन पर गिरे हुए हो, गंध को मलता नहीं मुखमंजु मुरझाया हुआ। अब तुम में वो सुगंध भी नहीं रही, अब तुम्हारा मुख जो है वो मुरझाया हुआ है, यानी अब फूल क्या हुआ, मुरझा गया है। आज तुझको देख कर चाहत भ्रमर आता नहीं, तुम वही फूल हो जिसको देख करके भौंड़े तुम्हारे पास आते थे, जिसको देख करके तितलियाँ तुम्हारे पास आती थी, लेकिन अब तुमको देख करके कोई तुम्हारे पास नहीं आता है। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, अब न रात को तुमसे कोई मतलब है, न भोर को कोई तुमसे मतलब है। जिस पवन ने अंक मेले प्यार था तुझको किया, जिस हवा के झोंके तुमको हमेशा झुलाते रहे, तुम पर अपना स्नेह लुटाते रहे, तुमसे प्यार करते रहे, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू कर दिया। उसी ने अपने तेज झोंके से तुमको तुम्हारी डाली से तोड़ करके अब कहाँ ला करके रख दिया, तुमको जमीन पर ला करके रख दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, तुमने अपना सारा सुगंध, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, और तुम्हारे अंदर जितने शहद थे, जितना मधु था, वो सब तुमने दान कर दिया। किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन, तुमने अपनी सुगंध लुटा दी,
तुमने अपनी सुंदरता लुटा दी, तुमने अपनी शहद लुटा दी, लेकिन तुम्हारे इस दान का दुनिया के पास कोई मतलब नहीं है। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। अब कवयित्री उस फूल को समझा रही है कि अब व्यथित मत हो, दुखी मत हो, इस संसार ने किसको सुख दिया है, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करता है। ईश्वर ने हर किसी को यहाँ स्वार्थी बनाया है, खास करके मनुष्यों को। कहा जाता है कि मैन इज सेल्फिश बाय बर्थ, मनुष्य जो है वो जन्म से ही स्वार्थी होता है। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा। जब तुम अपनी डाली पर थे, जब खिले हुए थे, जब तुम सुंदर लग रहे थे, तो सब किसी के आकर्षण का केंद्र थे। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। और तुमने, तुम्हारे पास जो कुछ भी था अपना, तुमने क्या किया, उसको सब लुटा दिया, सब लोगों को दान में दे दिया। जब ने तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, अपनी सुंदरता, अपना सुगंध, अपना पराग, सब लुटा दिया, और जब उस, जब तुम्हारी दशा पर इस संसार को कोई दुख नहीं हुआ, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार, फिर हम मनुष्यों के लिए कौन रोएगा इस धरती पर। ये कवयित्री की चिंता है। एक तरफ कवयित्री फूल को ये संतावना दे रही है कि तुम व्यथित मत हो, तुम दुखी मत हो, ईश्वर ने यहाँ हर किसी को स्वार्थी बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ कवयित्री की ये चिंता भी है कि जिसने सब कुछ लुटा दिया, उसका जब, उसकी जब दुनिया नहीं हुई, तो मनुष्यों को कौन पूछेगा। अब देखो, इस कविता के माध्यम से एक और कड़वे सच को रखा गया है हम लोगों के सामने। हमारा भी जो जीवन होता है ना, वो फूल की तरह ही तीन चार स्टेप में चलता है। फूल की तरह ही तीन चार स्टेप में चलता है का मतलब, मनुष्य भी जो है ना, कभी नवजात बच्चा होता है, शैशव अवस्था में होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर बूढ़ा होता है। जब तक मनुष्य अपने शैशवावस्था में है, बचपन में है, तब तक घर के हर व्यक्ति की नज़र उस पर रहती है। एक बार बच्चा रोएगा ना, तो कोई आकर के कहेगा कि हो सकता है कि इसका कान दर्द कर रहा है, कोई आके कहेगा कि अरे इसको भूख लगा है, कोई आके कहेगा कि नहीं इसका पेट दर्द कर रहा है, तो कोई कहेगा कि नहीं वाट भी घूमने के लिए रो रहा है। इस तरीके से उसके संबंध में लोग बात करते हैं। हर व्यक्ति की नज़र उस पर रहेगी कि आखिर बबुआ रोलन तक है रोलन। उसके बाद जब वो अपने किशोरावस्था में आता है, तो किसी को उसकी आँखें सुंदर लगती हैं, किसी को उसके गाल सुंदर लगते हैं, किसी को उसके होठ सुंदर लगते हैं, किसी को उसकी बातें अच्छी लगती हैं। हर किसी के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, मतलब उतनी देखभाल नहीं होती, लेकिन हर किसी के आकर्षण का वो केंद्र बना रहता है। जैसे ही व्यक्ति युवा होता है, तो जैसे फूलों के पास तितलियाँ, भौंड़े, ठीक है, या कोई लोग जाते हैं, तो वैसे ही अब लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। एक युवा व्यक्ति से लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है। अब उस व्यक्ति से घर परिवार के लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ उम्मीद है, नहीं, जिनको वो पूरा करता है, कमा करके जैसे भी हो उनको वो पूरा करता है। माता पिता की देखभाल करता है, बाल बच्चों की परवरिश करता है, नहीं, गांव समाज के लिए कुछ करता है, हर किसी को उससे कुछ ना कुछ उम्मीद है। और फिर वही व्यक्ति क्या होता है, बूढ़ा होता है, और जैसे ही बूढ़ा होता है, तो जैसे फूल को, सूखे हुए फूल को जमीन पे डाल दिया जाता है, वैसे ही अब बूढ़े लोग को कहाँ भेज दिया जाता है, गैरेज में। आई रात भर खाए 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 कैले रहन, खोए खोए करता रहन, नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब वो क्या हो जाता है, वो बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है, और उसकी तरफ से हर किसी का ध्यान हट गया। नहीं, अब आज भी वृद्धाश्रम के संबंध में सुनते होंगे, तो वृद्धाश्रम में वैसे ही माता पिता ना हैं जिनको उनके बाल बच्चों ने छोड़ दिया है। तो यही होता है कि जब हम बच्चे हैं, हर किसी की नज़र हम पर है, जब हम किशोर हैं, हर किसी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जब हम युवा हो गए, तो हमसे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई,
और जैसे ही हम अपने चौथेपन में गए, जब हम बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो फूल की तरह हमको दुनिया त्यागने लगती है। अब कवयित्री यहाँ ये कह रही है अपने मन को, कवयित्री की चिंता ये है, एक तरफ तो वो ये कह रही है कि इस संसार ने किसी को सुख नहीं दिया है, तो जब किसी को सुख नहीं दिया तो तुमको कैसे सुखी रखेगा। दूसरी तरफ मनुष्य कितना ही कुछ करता है औरों के लिए, तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो बचा के रखता ही है, अपनी चिंता तो उसको होती ही होती है। नहीं तो कवयित्री ये कह रही है कि जहाँ जिसने अपना सब कुछ दे दिया, फूल जिसने अपना सब कुछ दे दिया, उसको दुनिया जब नज़रअंदाज कर देती है, तो दूसरी तरफ मनुष्य है वो, तो उसको अपनी चिंता है, तो मनुष्य के लिए कौन रोएगा। और ये कड़वा सत्य है कि किसी को कोई बहुत दिन तक याद नहीं रखता है। धीरे 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 लोग क्या होते हैं, अपने में उलझ जाते हैं, और दुनिया किसी के लिए रुकती भी नहीं है, दुनिया चलते रहती है। यही इस कविता में है कि मनुष्य का जो जीवन है फूल की तरह है, डाली पर लगेगा, खिलेगा, मुरझाएगा, और लोग जितने भी आएंगे हमारे पास वो सब अपने स्वार्थवश आएंगे, उनके स्वार्थ की जब तक हमसे पूर्ति होगी तब तक उनकी हमसे नज़दीकी है, जैसे ही उनका मतलब निकल जाएगा, तो कहा जाता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कहा गया है कि कतरा रहे हो ऐसे जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यही होता है।